गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल प्रीति साहिर। सो दिस इज प्रीति एंड आई एम डूइंग ग्रेट। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट। सो ओनली टू डेज लेफ्ट फॉर दिवाली, तो मैंने सोचा एक ब्यूटीफुल लुक आपके साथ शेयर किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। वैसे मैंने मेकअप बिल्कुल नहीं लगाया पर फिर भी मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। या फेस को क्लीन करने के बाद मैं गुलाब जल अप्लाई कर लूँगी एज अ टोनर। डन। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। आप कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो, और अभी विंटर भी स्टार्ट हो गया है तो आपको फेस मॉइस्चराइज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मैं निविया सॉफ्ट यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं अपने हैंड्स पे भी अप्लाई कर लूँगी। ओके, फिर मैं प्राइमर लगा लूँगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ फाउंडेशन। मैंने बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, ब्लेंड कर लूँगी। मैंने स्पेशली आईब्रोज़ कराए हैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए, ताकि मेरा आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। अब मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। बस आपको डैब 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 करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। तो मैंने बेस को अच्छे से अपने ब्लेंड कर लिया है। मैं अपने आईब्रोज़ को कर लूँगी फिल। बहुत स्लोली स्लोली थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स लेके आपको अपने आईब्रोज़ को करना है फिल। मैं इस आईब्रो को भी जल्दी से कर लूँगी। या मैंने अपने आईब्रोज़ को कर लिया है फिल। अब मैं आई मेकअप की तरफ जल्दी से चलती हूँ। आई मेकअप करने से पहले मैं आईज के ऊपर अच्छा सा बेस लगा के इसको लाइटर कर लूँगी। इसके बाद मैं लूज़ पाउडर से इसको लॉक कर लूँगी। अच्छे से मैंने अपने आईज़ को लॉक कर लिया। तो सबसे पहले मैं ये लाइट शेड लेके पूरे अपने आईलिड पे डिफाइन करूँगी। दूसरे आईज़ पे भी मैं कर लूँगी। या मैंने कर लिया है। फिर मैं येलो कलर पिक करूँगी, अपने क्रीज पे मैं लगाऊँगी येलो कलर। या दूसरे आईज़ पे भी मैं कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा कलर लेके आपको हल्के हाथ से अच्छे से मेकअप करना अपना। या येलो कलर मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं ये ऑरेंज कलर पिक करने वाली हूँ, क्रीज में डिफाइन करूँगी। मैं ऑरेंज कलर भी अप्लाई कर लिया, जल्दी से दूसरे आईज़ का भी कर लूँगी। मैंने ऑरेंज कलर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं ये मेहरून कलर पिक करूँगी, इसको भी मैं अपने क्रीज पे लगाऊँगी। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करने से आपका मेकअप और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मैंने मेहरून कलर अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ये ब्राउन शेड लूँगी और अपने हाफ लिड पे ब्राउन कलर को अप्लाई करूँगी। मैंने ब्राउन कलर भी अप्लाई कर लिया। अब मैं कट क्रीज ड्रॉ करूँगी और इस पे येलो कलर प्लेस करूँगी। आपको बहुत हल्के हाथों से क्रीज ड्रॉ करना। आप एक स्मॉल ब्रश की भी हेल्प से कर सकते हो, बट मैं कंसीलर स्टिक से कर रही हूँ। अब इस एरिया में मैं पहले वाइट कलर प्लेस करूँगी, ताकि येलो कलर का पिगमेंट मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से आए। मैं जल्दी से दूसरे आईज का भी कर लेती हूँ। या तो मैंने अपने दोनों आईज पे कट क्रीज ड्रॉ कर लिया है। अब मैं येलो कलर जल्दी से इस पे प्लेस कर लूँगी। सो मैं ये वाला कलर अपने कट क्रीज पे प्लेस करूँगी।
जल्दी से मैं प्लेस कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने शेडो अप्लाई कर लिया, अब मेरा आई मेकअप देख सकते हैं। मैं अपने कट क्रीज पे की सिल्वर लाइनर ड्रॉ करने जा रही हूँ। आपको बहुत ही पतला लाइन लगाना, जितना पतला आप लगा सको उतना पतला लगा लो, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लाइनर मोटा हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब आईज ओपन करते हैं तो ये मोटा हो ही जाता। तो आप ट्राई करो जितना पतला आप हो सको उतना पतला लगा लो। आपको अपने आईज को क्लोज नहीं करना है लगाते टाइम, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। या मैंने इस पे ग्लिटर लगा लिया, आप देख सकते हो। अब मैं इस आईज पे भी कर लूंगी। या मैंने इस पे भी ग्लिटर लगा लिया, आप देख सकते हो। मैं इसको सूखने दूंगी थोड़ी देर। या तो मेरा लाइनर सूख चुका, अब मैं ब्लैक लाइनर ड्रॉ कर लूंगी। तो यार लाइनर डन, मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं नीचे भी शेडो अप्लाई कर लूंगी। उससे पहले मुझे जितने भी फॉल आउट हुए मैं थोड़ा क्लीन कर लूंगी उससे। ओके, अब मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर से यहाँ पे थोड़ा सा डैब डैब कर लूंगी, एंड लूज पाउडर से नीचे लॉक कर लूंगी। नीचे मैं ब्राउन और येलो लगाने वाली हूँ। या मैं येलो थोड़ा सा अप्लाई कर लूंगी। तो या अब बारी आती फॉल्स लैसेस की, बस अपने फेस को शेप दे दूंगी। बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगाना ब्लश। इसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी। मेरी लैसेस रेडी टू अप्लाई हो चुके हैं, मैं जल्दी से लैसेस लगा लेती हूँ। या तो लैसेस डन, तो मैं जल्दी से लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। लिपस्टिक मैं रेड अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरी ड्रेस में रेड फ्लावर्स बने हुए हैं। तो या विदाउट लिपस्टिक आपका मेकअप कितना अजीब लगता है ना। आप कितना भी मेकअप कर लो, जब तक आप लिपस्टिक नहीं अप्लाई करते हो आपका मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। तो या अब बारी है मस्करा की, दोनों आईलैशेस को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। ओके, अब बारी आती है काजल की, मैं काजल अप्लाई कर लूंगी। सो काजल डन। या तो मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस, मैंने अपने नेक पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, तो मेरा फेस और नेक बहुत ही डिफरेंस लग रहा। तो नेक को भी मैंने सोचा तो मैं बाद में लगा लूंगी। तो अब मैं अच्छे से अपने नेक को भी और सजा लूंगी। मेरा ब्लाउज का गला बहुत छोटा है, अगर आपका डीप नेक है तो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा अपने नेक को। सो मैं अपने हेयर स्टाइल कर लेती हूँ और ज्वेलरी पहन लेती हूँ। सो गाइज, हियर इज माई फाइनल लुक। मैंने ये ब्यूटिफुल सा क्रॉप टॉप वेयर किया विद दिस रेड रफल दुपट्टा, एंड मैंने हेयर्स को मिडिल पार्टिंग करके आगे के हेयर्स को कर्ल किया है, एंड मैंने ये ब्यूटीफुल सी इयर रिंग्स डाली हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली।